everyone, welcome to your Soul Channel 24/7 English. This video is very useful for 11th and 12th class students, both. Because दोनों ही क्लासेस में जब इंग्लिश का पेपर होता है तो सेक्शन ए में, पार्ट ए में और सेक्शन ए में हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. एंड हाउ टू सॉल्व दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वट आर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, हाउ टू सॉल्व दैम, वट आर द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व दैम ईजिली एंड स्पीडिली. बिकॉज सॉल्व तो हम कर लेंगे, बट मेन पर्पज इज टू सॉल्व इट स्पीडली, क्योंकि हमें टाइमली उसको कंप्लीट करना है. ऐसा नहीं कि हम एक ही पैसेज को लेके पूरा टाइम उसमें निकाल दें तो हम बाकी का पेपर कैसे फिनिश करेंगे. तो इसलिए हमें उसे, हमें वहां हार्डवर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है. और उस स्मार्ट वर्क क्या है, हमें कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज ऐसी फॉलो करनी है जिससे हम उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें और हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो बहुत जल्दी और करेक्टली कंप्लीट हो जाए. और सबसे बड़ी बात कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, मेरा इतना लेवल कंप्लीट हो गया एग्जाम का और मैं इतना तो स्कोर कर ही रहा हूं या कर ही रही हूं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस क्या होते हैं. पैसेज क्या होता है, पैसेज इज मेनली अ पैराग्राफ और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स. छोटा है पैराग्राफ तो हम उसको पैराग्राफ बोलते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. और जब वहां पे कई सारे पैराग्राफ्स यानी एक एक्सट्रैक्ट, यानी कोई स्टोरी कह सकते हैं, कोई पोएट्री कह सकते हैं, या कोई आर्टिकल हो उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर, एक छोटा पार्ट निकालकर अगर आपको दे दिया जाए जिसमें फोर पैराग्राफ्स या फाइव पैराग्राफ्स जो है वो कंबाइन किए हुए हैं, दैट इज नोन एज पैसेज. और उस पैसेज को हम कॉम्प्रिहेंशन क्यों कहते हैं, बिकॉज वी हैव टू कॉम्प्रीहेंड. कॉम्प्रीहेंड वर्ड से बना है. कॉम्प्रीहेंड क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज. अब अंडरस्टैंड मतलब हमें उस पैसेज को समझना है. अब समझने के लिए यहाँ ऐसा नहीं कि हमें पूरा पैसेज पढ़ना है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपको उस पैसेज को पूरा पढ़ना है, समझना है और फिर आपको आगे सॉल्व करना है. तो उसमें होगा क्या कि आपको कॉम्प्रिहेंशन गिवन होगा, जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा. तो कॉम्प्रिहेंशन गिवन होगा, पैसेज गिवन होगा और उसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे. तो क्वेश्चन आपको गिवन होंगे एंड आंसर्स आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे. तो आपने क्या करना है, आपने उन एमसीक्यूज में से उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है. सो इफ टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर यू हैव टू रीड द पैराग्राफ और पैसेज. अब सबसे बड़ी बात यह है कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है, पैराग्राफ कैसे पढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा पैसेज हमें गिवन होगा और उसको हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा. तो हम कैसे उसको पूरा पढ़ेंगे और कैसे हम उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ टिप्स देखेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज देखेंगे. बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है. आपको नॉर्मली दो पैसेज आएंगे, उन दो पैसेजेस को किस तरह से डिवाइड किया होगा. अब पहले तो 12 और 8 मार्क्स के आते थे, बट उसके बाद 10 और 10 मार्क्स के, अब 8 और 6 मार्क्स के. तो इस तरह से आपका डिवीजन होगा. तो 20-20 मार्क्स के पहले थे, इस बार आपके 14 मार्क्स के होंगे. तो 14 में थोड़ा बहुत वेरी भी हो सकता है, मे बी 2 मार्क्स इधर हो जाए या उधर हो जाए, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपके 8 और 6 मार्क्स के आएंगे. 8 और 6 मार्क्स कैसे, जैसे मैंने आपको पहले प्रायर वीडियो बताया था जिसमें आपको ब्लूप्रिंट बताया था क्वेश्चन पेपर का, देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको फैक्चुअल एंड डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस आएंगे. फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस क्या है वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताए थे. तो उसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपको एमसीक्यूज गिवन होंगे वहां पे, एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज, जैसे हमने पहले छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है. तो वहां पे 8 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चन इस तरह से आप करेंगे तो 8 और 6 मार्क्स आपके वहां पे आएंगे. अब ये 14 मार्क्स आपके ऐसे पक्के मार्क्स हैं, पक्के इन द सेंस कि भाई यू कैन स्कोर 14, फुल 14 मार्क्स. मतलब यहाँ आपके मार्क्स रिडक्शन का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई आपकी ऐसी ग्रामेटिकल एरर्स का कोई सीन नहीं है या कुछ और ऐसा कि यू हैव टू लर्न समथिंग और आपको अपना जो ऑलरेडी आपने लर्न किया उसको रिकैपिचुलेट करना है और रिमेम्बर करना है, वो सब यहाँ सीन नहीं है. तो इसलिए 14 मार्क्स यू कैन इजिली स्कोर. अब स्कोर कैसे करना है वो हम देखेंगे. अब ये देखिए टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या है, बिकॉज हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, जैसे मैंने पहला भी बोला. सबसे पहला है स्किम एंड ग्लांस, ग्लांस एंड स्किम. अब ये मैंने दोनों अलग अलग क्यों लिखे हैं, एक्चुअली क्या है, मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल, दे आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम एंड एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रैटेजी. हर बच्चा अपनी तरह से, जैसे मैथ्स में आपके एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. सो कोई एक स्टूडेंट जो है वो एक मेथड से सॉल्व करता है, दूसरा स्टूडेंट दूसरे मेथड से सॉल्व करता है, किसी को वो इजी लगता है, किसी को ये इजी लगता है. सेम वे जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, जब हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं, तो वो भी सबका अपना अपना करने का तरीका है. कोई उसको पूरा पढ़ता है, स्किम करने का मतलब रीड आउट करना. अब स्किमिंग का मतलब क्या है कि फास्टली रीड आउट करना, मतलब पूरा ना पढ़कर उसको आपने जो मेन मेजर पॉइंट्स हैं वो आपने रीड आउट कर लिए. और एंड ग्लांस, ग्लांस वेयर, ग्लांस एट द क्वेश्चंस,
सो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ग्लांस करना मतलब उसको देखना, ग्लांस मतलब सरसरी नजर से देखना और पहले पढ़ना फिर उसके बाद देखना. और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे ग्लांस एट द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट एंड देन दे गो फॉर द स्किमिंग, उसको स्किम करते हैं बाद में और पहले क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं. तो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज वेल इफ यू वॉन्ट टू कम्प्लीट योर पेपर विद इन टाइम, इफ यू वॉन्ट टू स्कोर फुल मार्क्स एंड इफ यू वॉन्ट दैट योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शुड बी डन बिफोर द टाइम और विद इन द टाइम, देन वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो दिस रूल, ग्लांस एंड स्किम. मतलब सबसे पहले आपने क्वेश्चंस देखने हैं, उनके आंसर्स रीड आउट करने हैं, देन यू विल गो टू द पैसेज, फिर आपने पैसेज की स्किमिंग करनी है. स्किमिंग करने का मतलब है कि आपने उसको फास्टली रीड आउट करना है, आपने उसको लर्न नहीं करना, आपने उसको समझना नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे फाइंड आउट करने हैं कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर्स गिवन है वो कहां मेंशन है, हमें ये देखना है, मतलब हमें उनको सर्च करना है वहां पे, दैट इज स्किमिंग. तो हमें ये क्यों करना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर या तो फर्स्ट पैराग्राफ में होगा या सेकंड पैराग्राफ में होगा, ज्यादा नीचे नहीं होगा. सपोज यू हैव फाइव पैराग्राफ्स इन द पैसेज, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर या सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में ही मिलेगा. सेम वे आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में ही होगा और सेम इट गोज ऑन लाइक दिस कि सेकंड का आंसर जो है वो सेकंड या थर्ड में, थर्ड का आंसर थर्ड या फोर्थ में, इस तरह से आपके आंसर्स गिवन होते हैं. तो इसलिए अगर आप पहले पूरा पढ़ेंगे सो यू विल वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आप पूरा टाइम तो वहां स्पेंड कर देंगे तो फिर बाकी का टाइम जो है वो आप कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर, बिकॉज क्वेश्चन आंसर यू हैव टू रीड अगेन. तो बेस्ट वे आउट इज दिस दैट फर्स्ट यू गो टू द क्वेश्चन आंसर्स फॉर एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ने हैं, जस्ट रीड द फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि सेकंड का आंसर भी कई बार फर्स्ट में ही मिल जाता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए एंड देन कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ. अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट आंसर मिल गया देन मार्क इट, एंड इफ यू फाइंड द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इन फर्स्ट पैराग्राफ देन मार्क इट, अदरवाइज इट विल बी इन द सेकंड पैराग्राफ, तो आपको वही मिल जाएंगे दोनों में. तो हमने इस तरह से उसको फॉलो करना है, इन टिप्स को देख अपने माइंड में रखना है, इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है और इस तरह से हमें स्मार्ट वर्क करना है जिससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन टाइमली फिनिश हो जाए, जल्दी फिनिश हो जाए और हमारे बुक बाकी के पेपर में हमें और ज्यादा टाइम जो है मिल जाए और हमारा आंसर जो है करेक्ट भी हो एंड सेकेंडली हमारे आंसर हमारे फुल मार्क्स मिल जाए. अब आपको क्वेश्चन कैसे होंगे, आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्लस आपको क्वेश्चन होंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर बेस्ड. एंड व्हाट आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इट्स वेरी सिंपल, आई हैव टोल्ड इट बिफोर आल्सो. सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम मीनिंग, एज पर सिनोनिम्स एज पर सेम मीनिंग, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग होता है, जैसे मैंने बोला कॉम्प्रीहेंड टू अंडरस्टैंड, तो ये दोनों का मतलब एक ही है, अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड दोनों का मतलब एक ही है, तो वो दो वर्ड्स हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए. अब हम कहते हैं एंटोनिम्स, एंटोनिम मतलब एक दूसरे के एंटी होना, एंटी मतलब अगेंस्ट होना, अगेंस्ट होना मतलब ऑपोजिट वर्ड्स. तो ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, टॉल एंड शॉर्ट, इस तरह से. सो अब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपने ध्यान. और सबसे बड़ी बात कि आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी वहां ब्रैकेट्स में यू मस्ट हैव नोटेड, आपको लिखा होता है पैरा टू पैरा थ्री, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्या करना है उस पैराग्राफ में ही उस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है. और अब आप कहेंगे वोकैबुलरी मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, मेरे को तो सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, तो मैं कैसे लिखूंगी या लिखूंगा, मैं कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करूंगा. सो इट्स वेरी इजी, आई विल टेल यू द वे हाउ टू फाइंड. क्या करना है आपको, आपने जो वर्ड वहां पे आपको गिवन है अगर वो सिनोनिम है, तो आपने उस वर्ड को वहां सर्च करना है कि हम इस वर्ड को अगर फिट करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो उसका आंसर क्या बनता है. तो एक पर्टिकुलर, क्योंकि आपको ऐसा वर्ड गिवन होगा, या तो आपको उसका आंसर पता होगा या फिर आपके लिए वो न्यू वर्ड होगा, दैट विल बी अ न्यू वर्ड इन योर वोकैबुलरी. उसमें आपने क्या करना है, आपने उस वर्ड को सिलेक्ट करके रखना है और वहां पर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उस वर्ड को पुट करना है. तो या वर्ड होगा या फ्रेज होगा, फ्रेज मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, तो वो वहां पे फ्रेज गिवन होगा तो वो वहां रखिए. अगर दोनों का आंसर सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो आपने देखना है कि हाँ ये इसका सिनोनिम है. अगर उनका मीनिंग ऑपोजिट होता है तो वो उसका एंटोनिम है. सेम वे यू हैव टू डू इट एंड इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट वेरी इजीली. नाउ वी कम द सेकंड वर्ड, दैट इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी टाइम फॉर एनी एग्जाम. प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप टाइमली करेंगे, जल्दी करेंगे, क्योंकि आपने सोचा एक पैसेज कर लिया, अरे मेरे को तो समझ आ गया, अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस ये तो मेरा पक्का हो गया, मेरे फुल मार्क्स. ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ एक पैसेज किया है, एक पैसेज करने से आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अभी आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है. तो आपको कई सारे पैसेजेस जितने मिलते हैं वो सब कर डालिए, सो दैट विल बी योर प्रैक्टिस. उससे क्या होगा, स्पीड शुड बी फास्ट टू कंप्लीट विद इन टाइम. आपकी स्पीड जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी एंड यू विल कंप्लीट योर वर्क विद इन टाइम.
टाइम से पहले ही आप अपना काम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, और वो आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपना टाइम लिमिट सेट करिए कि मैंने ये जो पैसेज है उसको 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है या 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा टाइम मत लीजिए उसके लिए, तो वो आपका हो जाएगा। देन वी कम रीड टाइटल वाइल स्किमिंग इफ गिवन। बहुत बार ऐसा होता है कि टाइटल आपको गिवन होता है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया वुमेन एम्पावरमेंट, तो इस वर्ड से हमें पता चल गया वुमेन एम्पावरमेंट से कि जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, जो हमारा पैसेज है, वो ऑलरेडी वुमेन के ऊपर है, उनके एम्पावरमेंट के ऊपर है। तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, उनके उसके कॉजेस हो सकते हैं, उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या जो भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो उसमें कवर अप हो सकते हैं। तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि ये पैराग्राफ इसके ऊपर बेस्ड है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। देन सेकेंडली, फोकस ऑन मेन मीडिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको टाइटल गिवन होगा, कई बार आपको टाइटल भी गिवन नहीं होता, और कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। सूटेबल टाइटल मतलब इस पैसेज के लिए कौन सा टाइटल सूट करता है, तो वो आपको वहां पे अगर एमसीक्यूज हैं तो आपको गिवन होगा, और एमसीक्यूज नहीं है तो आप जब आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है या पूरा पैसेज पढ़ना है उसके बाद आपको समझ आएगा, नहीं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, किसका आइडिया क्या है, राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज के थ्रू। फोकस ऑन मेन आइडिया, वहां से ही आपको मेन आइडिया पता चल जाएगा। मेन आइडिया जहां आपको पता चला, आपके माइंड ने स्ट्राइक किया कि यस दिस इज अ मेन आइडिया, तो ये आप समझिए कि हाफ ऑफ द वर्क इज डन, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बिना पढ़े ही पता चल गई कि हाँ इस पैराग्राफ में ये चीजें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टाइटल लिखा है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो अगर स्पीकिंग एंड लिसनिंग टाइटल है तो इसका मतलब एंटायर पैसेज इज बेस्ड ऑन स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग, तो उससे रिलेटेड कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या है, क्या से कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ उसमें गिवन होगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे और कैसे उसको और बेटर कर सकते हैं, वो सब उसमें गिवन होगा। तो ये कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाती हैं। सो दिस इज द वे टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद इन टाइम एंड फास्टली। नाउ आई वांट टू शो यू अ पैसेज ऑन द स्क्रीन, यू गो थ्रू द पैसेज एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसेज पढ़ने लग जाए, नहीं, आपने पढ़ना नहीं है, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यस, आप देख रहे हैं ये पैसेज है हमारा। Too many parents these days can't say no. As a result, they find themselves raising children who respond greedily to the advertisements aimed right at them. पढ़ना नहीं है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, क्या करेंगे हम, ये देखिए साइड बाय साइड आई शो यू द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। ये हम क्वेश्चन देखते हैं, अब हमने पैसेज नहीं देखा, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द साइकोलॉजिस्ट educators and parents want to teach the children. Now the options are to teach them about treachery, to teach them about indiscipline, to teach them about the values of life like hard work, contentment, honesty and compassion. None of these. Now we will go to the first paragraph. A first paragraph mein dekhiye kahan word psychologist likha hai. Here on the third line we see that we can see here. Now a growing number of psychologists, educators and parents think it's time to stop the madness and start teaching kids about what's really important. Values like hard work, contentment, honesty and compassion. So we got the answer. So what is the right answer? Third one, to teach them about the values of life like hard work, contentment, honesty and compassion. Simple. हमें वहाँ पढ़ा और हमें आंसर मिल गया। जैसे मैंने आपको बोला, first question का answer आपको first paragraph में ही मिल जाएगा। Now let's come to the second question. What is essential to become a successful adult? Learn not to overcome challenges. Learn how to overcome challenges. Nothing is essential. None of this. अब हमने keyword क्या देखा यहाँ पे? Successful adult and essential. So let's come to the first paragraph. हमने आगे नहीं पढ़ा था, तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि आगे कहीं हमें ऐसा लिखा हुआ है कि successful adults का कहीं mention है. So हम ये थोड़ा-थोड़ा हम उसको स्किम करना शुरू करते हैं। स्किम करना मतलब हम ये वर्ड्स हम सारा नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसमें क्या देखेंगे, हम उसमें ये देखेंगे कि उसमें कहाँ असेंशियल और सक्सेसफुल लिखा हुआ है। यहाँ आंसर देख रहे हैं, जैसा बी आंसर है, क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, जैसा हम बी क्वेश्चन देख रहे हैं, बी क्वेश्चन है व्हाट इज असेंशियल टू बिकम अ सक्सेसफुल एडल्ट, क्या असेंशियल है। सो हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं, लर्न नॉट टू ओवरकम चैलेंजेस, लर्न हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, नथिंग इज असेंशियल एंड नन ऑफ दिस। व्हाट इज असेंशियल टू बिकम अ सक्सेसफुल एडल्ट, learn how to overcome challenges. The answer comes out, learn how to overcome challenges. Okay, now let's come to the C question. Why do children need limits on their behavior when they live with a secured structure?
अब हमारे पास की पॉइंट्स क्या है, बिहेवियर किसका, बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, और सिक्योर्ड का स्ट्रक्चर. एंड ऑप्शंस आर दे फील मोर सिक्योर एंड बेटर, दे फील इनसिक्योर, दे फील बोर्ड एंड नन ऑफ दीज. तो अब ये देखते हैं हम कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए. सो लेट्स फाइंड आउट. अब इसको स्किम करेंगे, स्किम करेंगे मतलब फास्ट फास्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे. जोर से नहीं बोलना, जोर जोर से बोल के नहीं पढ़ना, लेकिन अपने मन में पढ़िए फटाफट. तो अब यहाँ पे टी का आंसर आपका किसी भी पैराग्राफ में हो सकता है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है. तो अब हमने, आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, यहाँ लिखा था व्हेन गिवन टू मच टू सून दे ग्रो अप टू बी एडल्ट्स हु हैव डिफिकल्ट कोपिंग विद लाइफ डिसअपॉइंटमेंट. सिंपल, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ गिविंग चिल्ड्रन टू मच टू सून, दे फेल टू कोप विद लाइफ डिसअपॉइंटमेंट व्हेन दे ग्रो अप. दिस इज द राइट आंसर. नाउ विल कम टू द बी पार्ट. बी पार्ट, अब उसके सिक्स क्वेश्चन हैं. तो सिक्स क्वेश्चन में व्हाट वैल्यूज डू पेरेंट्स एंड टीचर्स वॉन्ट चिल्ड्रन टू लर्न. फर्स्ट ए, वट आर द रिजल्ट ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून. अब इसका आंसर तो हमें यही मिल गया कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में यही जो आपका डी क्वेश्चन है यही सेम आंसर है. तो वट आर द रिजल्ट ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून, तो इसका आंसर ये हो जाएगा द ड्रॉबैक ऑफ गिविंग चिल्ड्रन टू मच टू सून एज दे फेल टू कोप विद लाइफ डिसअपॉइंटमेंट व्हेन दे ग्रो अप. और जैसा आपके पैराग्राफ में लिखा है आप सिंपली वो लिख सकते हैं व्हेन गिवन टू मच टू सून दे ग्रो अप टू द टू बी एडल्ट्स हु हैव डिफिकल्टी कोपिंग विद लाइफ डिसअपॉइंटमेंट. सिंपल, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड. लेकिन अब फर्स्ट क्या है, व्हाट वैल्यूज डू पेरेंट्स एंड टीचर वांट चिल्ड्रन टू लर्न. फर्स्ट में देखते हैं. अब यहां भी आपका फर्स्ट का आंसर देखिए, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसी में इसका आंसर है. व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स. अब यहाँ पे एजुकेटर्स हमारे टीचर्स आ गए, पेरेंट्स हमारे वांट टू टीच द चिल्ड्रन. और यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका क्लियर लिखा हुआ है साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप द मैडनेस एंड स्टार्ट टीचिंग टू किड्स अबाउट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो अब यहाँ पे हम ये बीच में हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है इट्स टाइम टू स्टॉप द मैडनेस एंड स्टार्ट टीचिंग किड्स, ये सब नहीं लिखना हमें. हम स्ट्रेट अवे आंसर लिखेंगे पेरेंट्स एंड टीचर वॉन्ट चिल्ड्रन टू लर्न. वॉट वॉन्ट चिल्ड्रन टू लर्न. अब यहाँ आते हैं हम पैराग्राफ पे, रियली इंपॉर्टेंट वैल्यूज लाइक हार्डवर्क कंटेंटमेंट ऑनेस्टी एंड कंपैशन. सिंपल, दिस इज द आंसर एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. नेक्स्ट द थर्ड सी क्वेश्चन ऑफ बी पार्ट, व्हाई डू टुडेज चिल्ड्रन वॉन्ट मोर. व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई चिल्ड्रन वॉन्ट मोर. तो हमने देखा था यहाँ पे, आपको याद होगा हमने कहीं ढूंढा था द चिल्ड्रन वॉन्ट मोर. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसमें आप साथ में ये भी लिख सकते हैं लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स के आगे दे ऑल्सो हैव डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड गेट्स इन द वे ऑफ सक्सेस इन द प्लेस वर्क प्लेस एंड इन रिलेशनशिप. मतलब जो लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो जिसे वो कोप अप नहीं कर पाते उसकी वजह से आगे उनके सक्सेस में जो है वो एक हर्डल का काम करते हैं उनके वर्क प्लेस में भी और रिलेशनशिप में भी. ओके तो अब हम ये इसका आंसर देख रहे थे व्हाई डू टुडेज चिल्ड्रन वॉन्ट मोर एंड द आंसर इज हियर इन द सेकेंड पैराग्राफ. Today's kids, third line, today's kids want more, much more, partly because there is so much more to want, that's it. This is the right answer. What? Because they want more. और आगे हम इसके और क्या देखते हैं और क्या लिखा हुआ है want more, क्योंकि we are talking about the children. So अब ये the oldest member of the generation was born, ये नहीं लिखेंगे हम इसमें, हम यहाँ ये और add कर सकते हैं. One survey of teenagers found that when they crave for something new, most expect to ask 9 times before their parents give in. Okay, तो अब हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ टीनेजर और चिल्ड्रन के बारे में तो हम उन्हीं का लिखेंगे. हम ऐसा नहीं कि हमने वहां से उठा के, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वहां से स्टार्ट किया आंसर एंड तक लिख दिया, विच इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज आप लिखने में भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको सारा पढ़कर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो आप सिर्फ वो लिखिए जो आपको एग्जैक्टली पूछा हुआ है. अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एग्जामिनर है जो आपकी चेकिंग कर रहा है पेपर, वो आपको मार्क्स भी डिडक्ट कर सकता है वहां पे. So, आपने ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ना है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए. नाउ लेट्स कम टू द डी क्वेश्चन ऑफ बी पार्ट, व्हाट इज द बैलेंस विच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टुडेज वर्ल्ड. अब हमें ये देखना है कि बैलेंस वाला पार्ट कहाँ पर है, कि आजकल के पेरेंट्स किस चीज के लेके अपने बच्चों में बैलेंस चाहते हैं. व्हाट इज द बैलेंस विच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टुडेज वर्ल्ड. लेट्स कम टू द फोर्थ पैराग्राफ, व्हाट पेरेंट्स नीड टू फाइंड इज अ बैलेंस बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ एन एफ्लुएंट सोसाइटी. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बैलेंस विच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टुडेज वर्ल्ड. सो वील स्टार्ट राइटिंग द पेरेंट्स नीड टू फाइंड इज अ बैलेंस बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ एन एफ्लुएंट सोसाइटी एंड द क्रिटिकल लाइफ लेसन्स दैट कम फ्रॉम वेटिंग सेविंग एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव गोल्स. दिस इज द
So for our D part, now the question number E is what is the necessity to set limits for children? बच्चों के लिए क्यों जरूरी है कि हम उनके लिए लिमिट सेट करें? कोई भी लिमिट सेट करना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? लिमिट सेट करना मतलब कुछ लिमिटेशंस रखना। हमने आपको यहाँ पे सी क्वेश्चन दिखाया था एक पार्ट का, क्योंकि बहुत से आंसर्स हमारे ऊपर के क्वेश्चंस में ही होते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा था व्हाई डू चिल्ड्रन नीड लिमिट्स ऑन देयर बिहेवियर व्हेन दे लिव विद इन अ सिक्योर स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको आंसर समझ आ गया होगा कि व्हाई डू चिल्ड्रन नीड लिमिट्स, ये पूछा है। और ये पूछता है यहाँ पे व्हाट इज द नेसेसिटी, जरूरत क्या है। तो बात तो एक ही हो गई कि क्यों जरूरी है और क्या जरूरत है। तो आंसर इसका हमने कहाँ ढूंढा था, आप देखिए आपको याद होगा तो ये देखिए यहाँ हमारा आंसर था। तो ये आंसर हमारा फोर्थ पैराग्राफ में ही था, ये देखिए लास्ट में, चिल्ड्रन नीड्स लिमिट ऑन देयर बिहेवियर बिकॉज दे फील बेटर एंड मोर सिक्योर व्हेन दे लिव विद इन अ सिक्योर स्ट्रक्चर। हम बहुत सिक्योर करके उनको रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ज्यादा बेटर फील करने लग जाते हैं, ज्यादा मोर सिक्योर फील करने लग जाते हैं और उनका बिहेवियर भी उस तरह से हो जाता है। तो इसलिए हमें वहां पर जो आपसे आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेसेसिटी टू सेट, तो दैट्स व्हाई दिस इज द नेसेसिटी टू सेट लिमिट्स फॉर चिल्ड्रन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बी पार्ट इज हाउ डू ओल्डर चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल। ओल्डर चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल, ओल्डर चिल्ड्रन मतलब जो बड़े हैं वो कैसे सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करना। फोर्थ पैराग्राफ में ही हमारा इसका आंसर है सिक्योर स्ट्रक्चर के बाद में ही, ओल्डर चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल बाय वॉचिंग हाउ अदर्स स्पेशली पेरेंट्स एक्ट। कैसे सीखते हैं, जैसे लोग बाकी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो इस तरह से उसको सेल्फ कंट्रोल जो है वो लर्न करते हैं। तो आपने देखा कि हमने ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो बहुत इजीली हमने सारे फाइंड आउट कर लिए, हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इस चीज में और हमने बहुत आराम से इनको कर लिया। लेट्स कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में आपको आया फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर मतलब क्या बोला था मैंने, सिनोनिम्स। और आपका वर्ड है अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन पैराग्राफ वन, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो यहाँ वर्ड हमारा लिखे हुए थे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या क्या थी, हार्डवर्क, कंटेंटमेंट, ऑनेस्टी एंड कंपैशन। कंटेंटमेंट का मीनिंग ही हमारा फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। सो हियर कंटेंटमेंट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड और दिस फ्रेज, सो दिस इज द राइट आंसर। अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इज कंटेंटमेंट। नाउ बी क्वेश्चन इज वैल्यूएबल, हमें सिनोनिम देखना है वैल्यूएबल का। वैल्यूएबल हमारे कहां लिखा है, पैराग्राफ थ्री में। सो लेट्स कम टू द पैराग्राफ थ्री टू फाइंड द आंसर। अब हमें सेंटेंस सुन रहे हैं कहाँ पे वैल्यूएबल मेंशन किया हुआ है और वैल्यूएबल की जगह क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ देखते हैं सेंटेंस, देखिए क्या लिखा है, एंड दे वर्क मोर आवर्स एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वीक, इट्स टेम्पटिंग टू बाय पीस विद यस एंड नॉट मोर मार प्रीशियस फैमिली टाइम। प्रीशियस मतलब बहुत महंगा, मतलब वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल का हमारा क्या सिनोनिम हुआ, प्रीशियस। सो कैसे हमने बड़े आराम से सारा क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट किया, हमने पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ा, हमने सारे पैसेज को पूरा अंडरस्टैंड करने की ऐसी कोशिश नहीं करी या लर्न करने की कोशिश नहीं करी, हमने क्वेश्चंस पढ़े उनके आंसर्स फाइंड आउट करे। सो दिस वे यू हैव टू डू इन योर एग्जाम्स। प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि जितनी ज्यादा आप पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा, उतना जल्दी आप स्किम कर पाएंगे और उतना जल्दी आप आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप ढूंढते ही रह जाएंगे और बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो काम आपने नहीं करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। ये पूरा पैसेज एंड इट्स आंसर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन अ लिंक, यू कैन गो थ्रू देयर आल्सो, एंड वन मोर पैसेज इज आल्सो गिवन देयर फॉर योर प्रैक्टिस। तो उसको आप खुद प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए कि आपको कितना समझ आया, आपको कहाँ प्रॉब्लम आई, सो दैट वी कैन डिस्कस इट अगेन आल्सो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जहां आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपको और समझना चाहते हैं, तो आप मुझे उसमें कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए, उससे मुझे पता चलेगा और मैं हो सकता है एक वीडियो उसके ऊपर और बना दूं जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है या आपके डाउट्स जो है उसको क्लियर किया जाए, ओनली फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ योर डाउट्स। ओके, सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।